Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hope you all are fit and fine. Today we will learn Nurani Qaida. Open Nurani Qaida, page number 5. First we will do revision. Bismillahirrahmanirrahim. Imtihan. बच्चों हम ये पहले रिवीजन करते हैं. ता ता पो पो फा फा सीन सीन शीन शीन सोद صاد حا حا ها ها خا خا قاف قاف ذال ذال زا زا Board, board, zo, zo, alif, alif, ain, ain, noon, noon, ba, ba, fa. Fa, Ghain, Ghain, Ya, Ya, Ta, Ta, Mim, Mim, Lam, Lam, Dal, Dal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यहाँ से बच्चों हम सबक पढ़ लेते हैं. बेटा मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें. बच्चों पहले हम देख लें कि मुरक्कब किसको कहते हैं. दो या दो से ज़्यादा जो हर्फ मिले हुए हो उसको क्या कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं. अभी तक हमने मुफ़रद पढ़ा, अब मुरक्कब के अगर मुफ़रद के साथ दूसरे हर्फ को मिलाया जाएगा तो उस किस तरीके से मिलाया जाएगा यहाँ पर वो बतलाते हैं. देखो अलिफ़, ये अलिफ़ की पहली शक्ल है. ये भी क्या है, अलिफ़. ये भी अलिफ़. ये दूसरी शक्ल, ये तीसरी शक्ल. पढ़ेंगे उसको अलिफ़ 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 अलिफ़. ये क्या है बच्चों, बा. ये भी बा है. बा की पहली शक्ल, दूसरी शक्ल और तीसरी शक्ल. इसको भी पढ़ेंगे बा 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 बा. ये क्या है बेटा, ता. क्या है, ता. ये ता की पहली शक्ल है, ये दूसरी शक्ल है, ये तीसरी और ये चौथी. उसको कैसे पढ़ेंगे, ता 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 ता. ये क्या है बच्चों, जीम. ये भी जीम है. तो ये जीम की पहली शक्ल और ये दूसरी शक्ल, जीम जीम. ये क्या है, दाल. ये भी क्या है बेटा, दाल. अगर किसी हर्ब के साथ मिलाया जाए तो उसको इस तरीके से जीम हट जाएगी, ये दाल इस तरीके से आएगा. तो पढ़ेंगे उसको भी दाल 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 दाल. ये आइन आइन आइन. आइन की पहली शक्ल, दूसरी शक्ल और
तीसरे शब्द अगर किसी हर्फ के साथ मिलाना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है उसको, फा फा फा। फा की पहली शक्ल, दूसरी शक्ल और तीसरी शक्ल। चलो फिर से हम देख लेते हैं बेटा, अलिफ अलिफ अलिफ, बा बा बा, ता 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 ता, जीम जीम, दाल दाल, आइन आइन आइन, फा फा फा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।